हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभलक्ष्मी और आप सभी को मेरे चैनल लजीज जायका में मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ राबा लड्डू, और ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाने में भी बहुत कम मेहनत लगता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन के तैयार भी हो जाता है। दोस्तों, इसे आप बना के हफ्ते 10 दिन तक स्टोर करके रख के खा भी सकते हैं, और अगर आप इसको इससे ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो एक आइटम इसमें आपको नहीं डालना है, वो है मलाई। आप इसके मलाई के जगह आप घी का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप ज़्यादा देर तक रख के भी खा सकते। तो फिर आइए बनाते हैं रावा लड्डू। और रावा लड्डू बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी लिया है, उसी के साथ मैंने 1 बाउल यहाँ पे मलाई लिया है। मैंने ये 2 दिन तक स्टोर करके रखा था, मिल्क में से निकाला है। और ये है शुगर, शुगर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। आप इतना लेने से 2 कप सूजी के लिए काफ़ी होता है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी लिया है, ये घी 4 बड़े चम्मच के समान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता बादाम लिया है, और ये काजू है, और ये मैंने थोड़ा सा किशमिश लिया है, और ये मिल्क मैंने लिया है। अगर ज़रूरत होगा तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। अभी ये इतना ही इंग्रेडिएंट हमको चाहिए। तो फिर आइए बनाते हैं रावा लड्डू। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पे पहले 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। इस घी में हम ड्राई फ्रूट्स पहले फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे काजू पहले डाला है, काजू को थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम किशमिश इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि काजू थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में और किशमिश जल्दी से फ्राई हो जाता है। इसीलिए हम काजू को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें किशमिश डाल के फ्राई कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने किशमिश भी डाल दिया है। अभी काजू और किशमिश को मिला के अच्छे से मुझे फ्राई कर लेनी है। देखिए, ये फ्राई हो चुका है। दोस्तों, आपको अगर इसमें बादाम भी डालना है, आलमंड, आप डाल सकते हैं। देखिए, मेरा काजू किशमिश फ्राई हो चुका है, मैंने इसको निकाल के बाउल में रख दिया है। इधर सेम पैन में मैं सूजी डाल रही हूँ। अभी सूजी को हम इसी घी में फ्राई करेंगे, और इसी के साथ मैंने बचे हुए घी भी इधर डाल दिया है। मैंने पहले 2 स्पून घी डाला था, अभी और 2 स्पून डाल दिया। ये टोटल 4 बड़े चम्मच घी होता है। आप इससे ज़्यादा घी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप अभी मलाई डाल के अच्छे से बना सकते हैं। और अगर आप इसको स्टोर ज़्यादा दिन करना चाहते हैं तो मलाई स्किप कर लीजिए, मलाई के जगह आप घी यूज़ करिए। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 चम्मच मलाई डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे सूजी के साथ। देखिए, मलाई बढ़िया से सूजी के साथ मिल गया है, और इसका स्मेल भी दोस्तों बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसी स्टेज पे हम यहाँ पे जो शुगर रखा था ग्राइंड किया हुआ, वो इधर ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए, शुगर को मैंने सूजी के साथ अच्छे से मिला लिया है। अभी और 4 चम्मच मैं यहाँ पे मलाई ऐड कर रही हूँ। देखिए, मैंने और थोड़ा सा मलाई ऐड करके इसको मिला लिया है अच्छे से। दोस्तों, ये लड्डू टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है, और आपको बहुत ही कुरकुरा लगेगा खाने में, आपको टेस्टी भी बहुत लगेगा, और आप जब भी मन करे रख के इसको खा सकते हैं।
आपको फ्रीजर में इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बाहर किसी भी डब्बे में भर के इसको रख सकते हैं। हफ्ते तक तो इसको अच्छे से डब्बे में भर के बाहर रख के खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट सब ऐड कर लिया है, अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैंने ड्राई फ्रूट को अच्छे से इस सूजी के साथ मिला लिया है, बस और दो चार मिनट इसको ऐसे फ्राई कर लेनी है। देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, सूजी भी अच्छे से बन चुका है, फ्राई हो चुका है। अभी इसको हम लड्डू बनाने के लिए निकाल के प्लेट में डाल देंगे। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है दोस्तों, ये ऐसे ही थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हम लड्डू बना देंगे। आप जैसे ट्राई करिए, इसको थोड़ा सा गर्म रहने दीजिए और लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि ठंडा होते होते ये अच्छे से टाइट हो जाए और लड्डू अच्छी तरह से बने। देखिए मैंने इसको प्लेट में यहाँ पे निकाल लिया है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, फिर भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा करते हुए लड्डू बना लूँगी। इस स्टेज पे आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू अच्छे तरह से बाइंड होके रहेगा, देखिए, और टूटेगा भी नहीं। मेरा एक लड्डू यहाँ पे तैयार हो चुका है, ऊपर से थोड़ा सा हम ये पिस्ता बादाम से उसको सजा लेंगे। ऐसे करके मैं यहाँ पे दो तीन लड्डू बना लेती हूँ पहले, और आपको थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ कैसे बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे और एक लड्डू मेरी बन चुकी है दोस्तों, देखिए और एक लड्डू भी बनके तैयार हो चुका है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये पिस्ता लगा लेंगे। देखिए ऐसे करके आप सारे लड्डू बना लीजिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। देखिए मैंने तीन लड्डू बना के आपको दिखा दिया, अभी इस सारे सूजी का मैं लड्डू बना लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारा लड्डू बना के तैयार कर लिया है, हमारा रावा लड्डू तैयार हो चुका है दोस्तों। इसको एक घंटे या दो घंटे के बाद आप खाइए, ये बिल्कुल ही जम जाएगा। सूजी जमने में ज़्यादा देर नहीं लगती है और बहुत जल्दी जम के तैयार हो जाती है। देखिए दोस्तों मैंने सारे लड्डू बना लिया है, आपको एक तोड़ के भी मैं दिखाने वाली हूँ कैसे बना है हमारा रावा लड्डू, आप ज़रूर देखिए। देखिए यहाँ पे एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा बना है, आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए इतनी कम टाइम में ये बहुत जल्दी हार्ड भी हो जाता है। देखिए ये लड्डू बनके तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर बना है दोस्तों, आप ज़रूर इसे घर पे एक बार ट्राई करिए। और मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगी है मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूँगी आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।